गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सब? गुड चल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट मॉर्निंग करें। सर। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन हमारा। राइट, डिपॉजिट तक हो गया था हमारा, हमारा राइट डिपॉजिट तक हमने कवर कर लिया था। नाउ यस सर। वी विल प्रोसीड विद द सेक्शंस फर्दर इन डिपॉजिट चैप्टर, एंड फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट विद द चार्जेस। ओके, एवरीवन, चलिए आ जाइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कहाँ तक हो गया था, फटाफट से बताएं जरा, फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एंड देन विल प्रोसीड विद सेक्शन नंबर। कम ऑन, सेक्शन नंबर 73 कवर किया था, याद है कुछ? यस सर। यस, सेक्शन नंबर 73 में क्या क्या कवर किया था बेटा? यस, कम ऑन एवरीवन। सबसे पहले बता था कितने तरीके की कंपनी होती है, फटाफट से शॉर्टकट में दिमाग में रख लें कितने तरीके की कंपनी होती है। एक तो प्राइवेट कंपनी होगी, दूसरा पांच स्पेसिफाइड IFSC कंपनी, यस और नो, देन नॉन नॉन एलिजिबल एलिजिबल फर्म, कंपनी, देन पब्लिक एलिजिबल कंपनी, पब्लिक कंपनी, यस, एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी। एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी एंड एलिजिबल पब्लिक कंपनी, यस और नो। एलिजिबल पब्लिक कंपनी और एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी जो है कवर हो रही है बेटा कहाँ पे? सेक्शन नंबर 76 76 पे, है ना? यस सर। ओके, देन इसके बाद IFSC कंपनी और प्राइवेट कंपनी जो है वो कहाँ पे कवर हो रही है बेटा? सेपरेटली उसको कवर किया था, यस और नो, प्रोविजो में। पर इसके साथ नॉन एलिजिबल कंपनी स्पेसिफिकली कहाँ पे कवर हो रही है बेटा? 73(2) पे, यस और नो, यस सर। बराबर है? यस, बट जो मेंबर से पैसे लेने हैं वो प्राइवेट कंपनी के लिए अप्लाई हो सकता है 73(2) में भी, और IFSC कंपनी के लिए भी 73(2) में, अगर उनको किससे पैसे लेने बेटा? मेंबर मेंबर से से। लेने। कुछ एक्सेप्शंस थे जैसे IFCDS जो मैंने बताया था वो अप्लाइड नहीं होता है, कौन सी प्राइवेट कंपनीज के केस में, यस और नो। एंड तीन अदर कंपनीज, कौन कौन सी कंपनी बेटा? या तो एसोसिएटेड कंपनी ना हो, दूसरा पांच दूसरा साल क्या तक बताया था, स्टार्टअप कंपनी, स्टार्टअप कंपनी हो, स्टार्टअप 5 ईयर्स के लिए हो, और तीसरा क्या था बेटा? यस कमांड, ट्वाइस, जिसका जो बोरोइंग है वो क्या होना चाहिए? लेस देन ट्वाइस होना चाहिए, एम आई राइट और नॉट? यस यस सर। सर। यही चीज बताया था मैंने, बोले सिर्फ इसके लिए क्या अप्लाई नहीं होगा बेटा? IFCDS, याद आया क्या? यस याद आया कि यस, इश्यूएंस ऑफ सर्कुलर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह ये सब कवर कर, फाइलिंग ऑफ स्टेट, फाइलिंग टू रजिस्ट्रार, ये सब क्रेडिट रेटिंग वगैरह ये सब अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यस और नो? इतनी ही बात यस बताई सर। थी, यस। इसके बाद दूसरी बात मैंने बताई थी कि जो डिपॉजिट है वो सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट भी हो सकता है, बताया था क्या? यस। तो यस सर। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया बेटा? मिनिमम 3 मंथ्स, मैक्सिमम 6 मंथ्स, मंथ यस सिक्स और मंथ्स नो, एंड ये सब यस के सर। लिए अप्लाई होगा आंख बंद करके, बराबर है? और इसकी जो यस सर। मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है वो कितनी बेटा? टेन टेन परसेंट परसेंट ऑफ यस सर। बेटा, पेड शेयर अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, प्री रिजर्व सेक्योरिटीज प्रीमियम। एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है किसी ने भी, बराबर है क्या? देन इसके बाद 73(2) के लिए Rule 3 आया था, याद है क्या कुछ? यस और नो, सेवेंटी थ्री यस सर। टू एज वेल एज 76, बराबर है क्या? Rule 3 आया हुआ था, यस। और 73 जो Rule 3 था वो किसके लिए अप्लाई कर रहा था बेटा? मेंबर वाला भी और दूसरा पब्लिक वाला भी, बोलो हाँ या ना? यस, बट शॉर्टकट में अपने को अब सब रूल वगैरह दिमाग में नहीं रखना, अपने को क्या दिमाग में रखना है? दो चीजें कर लो, एक तो मेंबर से क्या आया और
पब्लिक से क्या आया, बोलो हाँ या ना, बराबर है क्या? यस। तो मैक्सिमम डिपॉजिट मेंबर के केस में बताओ जरा फटाफट से, मैं सिंपल लैंग्वेज में पूछता हूँ, प्राइवेट कंपनी अगर लॉन्ग टर्म है तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म में अब कोई डाउट नहीं रहेगा, बोलो हाँ या ना? यस सर, शॉर्ट टर्म में कोई डाउट नहीं। तो प्राइवेट कंपनी के लिए कितना बोल रहा है बेटा, 100%, 100% सर, 100% स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी के लिए भी 100%, ये दोनों चीजें कवर है, बराबर है, ये दोनों एक ही जगह कवर है, एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशंस में कवर है कि 100%, 100%, बोलो हाँ या ना? रूल 3-3 याद आ गया, यस और नो। अच्छा, स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी के केस में अगर लॉन्ग टर्म है तो डीपीटी 3 भी फाइल करना है, बोलो हाँ या ना? यस, बराबर है क्या? और प्राइवेट कंपनी है उसमें भी अगर लॉन्ग टर्म डिपॉजिट हो रहा है तो डीपीटी 3 जो है आरओसी को फाइल करना है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। अच्छा, नॉन एलिजिबल कंपनी के लिए कितना है बेटा, 35%, कितना है, 35%, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में क्लियर है। एलिजिबल पब्लिक कंपनी के लिए कितना बेटा, 10%, कितना है बेटा, 10%, एंड लॉन्ग टर्म एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी कितना है बेटा, 35%। आई होप आई एम क्लियर, यस और नो। तो एक तो आ गया 100% और 100% क्लियर है आईएफएससी पब्लिक कंपनी, यस और नो, और दूसरा क्या था बेटा, प्राइवेट कंपनी, बराबर है क्या, हाँ या ना? यस। नॉन एलिजिबल कंपनी के लिए कितना बेटा, 35%, यस और नो। एलिजिबल पब्लिक कंपनी के लिए कितना है, 10%, एंड एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी के लिए कितना है बेटा, 35%, बराबर है। तो 100%, 35% और 10%, ये तीन याद रहेंगे क्या, बोलो जरा फटाफट से, यस। अच्छा, और अगर पब्लिक से लेना तो कौन लोग ले सकते हैं बेटा, पब्लिक से सिर्फ दो ही कंपनियां ले सकती है, एक तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी और एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी। और कितना लेगी बेटा, अगर पब्लिक कंपनी है तो 25% लेगी और गवर्नमेंट कंपनी है तो 35% लेगी। आई होप आई एम क्लियर। तो एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी चाहे पब्लिक से ले या मेंबर से ले, 35% मैक्सिमम है। आई होप आई एम क्लियर, बराबर है। एलिजिबल पब्लिक कंपनी अगर मेंबर से लेती है तो 10% है, पब्लिक से लेती है तो 25% है, यस और नो? यस। नॉन एलिजिबल कंपनी कितना है, 35%, बाकी कितना बेटा, 100%, शॉर्ट टर्म पे कितना बेटा, 10%, बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है एवरीवन? यस। अच्छा, एलिजिबल पब्लिक कंपनी का भी मतलब, अब देखो ये पूरा चार्ट से ही आपका पूरा याद हो जाएगा, मैक्सिमम चीजें इसमें याद हो जानी है। एलिजिबल पब्लिक कंपनी का मतलब कितना था बेटा, नेटवर्थ और टर्नओवर, बोलो हाँ या ना? नेटवर्थ कितना होना चाहिए बेटा, 100 करोड़ के ऊपर, और टर्नओवर कितना होना चाहिए बेटा, 500 करोड़ के ऊपर। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बाकी के सब रूल के कंप्लायंस है, सेक्शन आपको इतनी ही बात करता है, बोलो हाँ कि ना? क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर, वेरी गुड, यस सर, ओके। सो यस, अब नाउ मेरी बात ध्यान समझना। अब शॉर्टकट में अपन कुछ कवर करने वाले हैं, शॉर्टकट में कवर कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी वहीं पे, ठीक है? नाउ अब मेरी बात अगर ध्यान से समझो तो मैं अब यहाँ पे बोल रहा हूँ पूरी पब्लिक को, पूरी कंपनी, कितनी कंपनी बेटा, 5 कंपनी, बोलो हाँ या ना? 5 कंपनी, यस और नो? यस। कौन कौन सी होगी, प्राइवेट कंपनी, आईएफएससी, नॉन एलिजिबल कंपनी, एलिजिबल कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी, एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी। आई होप आई एम क्लियर, यस और नो? डिपॉजिट ले रही है बेटा, ले रही है डिपॉजिट, बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस। कौन सा, सिक्योर डिपॉजिट और अनसिक्योर डिपॉजिट, आवाज आ रही है सभी को? यस सर। और ये डिपॉजिट क्या है बेटा, शॉर्ट टर्म है या क्या हो बेटा, लॉन्ग टर्म हो, बोलो हाँ या ना? यस, यस सर। रूल 3 क्या सभी को फॉलो करना पड़ेगा, कम ऑन, शॉर्टकट में ये दिमाग में फिट कर लेना। रूल 3 क्या बोल रहा है बेटा, रूल 3 100% याद आ रहा है, 35%, 25%, 10%, यही 4% दिए थे, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. जो जो जहां जहां पे लगे लगा लो, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज लिमिटेशन, मैक्सिमम लिमिटेशन है, यस और नो? और इतना अगर दिमाग में आ गया तो रूल 3 कवर हो गया, बोलो हाँ कि ना? यस और नो? इसके बाद क्या लगता है बेटा, अगर सिक्योर डिपॉजिट करना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, कम ऑन, रूल 6 लगाना पड़ेगा, याद आया क्या? केस अगर किसका है बेटा, सिक्योर डिपॉजिट का है, तो मैंने सिक्योरिटी कैसे लाना है, क्या चार्ज ऑफ एसेट्स रहेगा, मूवेबल रहेंगे, इमूवेबल रहेंगे, बताओ जरा फटाफट से, क्या क्या रहेगा बेटा, अदर देन इमूवेबल, है ना? यही था कुछ? यस सर।
अदर देन क्या था बेटा? इंटेंजिबल, यस और नो, सारे ही एसेट्स कवर है आप, सारे ही एसेट पे, हाँ सारे ही एसेट पे चार्ज लगा सकते हो, क्लियर और नॉट क्लियर? यही बताया हुआ था, यस और नो? यस। रूल सिक्स, रूल सिक्स यहाँ पे आ गया था, बराबर है ना? जब ये रूल थ्री, रूल थ्री तो मैंडेटरली अप्लाई होना है, हाँ या ना? यस। रूल सिक्स कब अप्लाई होगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, ओनली इन केस ऑफ व्हाट? कम ऑन, ओनली इन केस ऑफ व्हाट? कम ऑन, सिक्योर डिपॉजिट, यस और नो? हाँ, सिक्योरिटी, वही मतलब ना कि अगर अनसिक्योर डिपॉजिट को आपको सिक्योर्ड बनाना है तो फिर आपको रूल सिक्स भी फॉलो करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। पक्का 100% श्योर शॉट हूँ? अच्छा, इसके बाद मैंने बताया था ये जो डिपॉजिट है अगर लेस देन और इक्वल्स टू 181C का लिमिट है, बोलो जरा फटाफट से क्या पास होएगा बेटा? ओ आर। अगर ग्रेटर देन 181C है तो क्या पास हो जाएगा बेटा? एस आर। ये भी क्लियर, ये भी क्लियर हो गई बात, बोलो हाँ की ना? यस एवरीवन, क्लियर और नॉट क्लियर? बोलो जरा फटाफट। यस क्लियर, ठीक है। अब यहाँ तक हमने बात कवर कर ली थी कि नहीं कर ली थी? कर ली थी अपन ने, यहाँ तक की बात कवर कर ली थी। अब आ जाते हैं जरा फटाफट से। यस, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, 74-75 को कवर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अगर हम रूल पे आते हैं बेटा, सबसे पहला रूल आ जाए। यस एवरीवन, रूल फोर, रूल फाइव, रूल सिक्स कवर कर लिया था, बोलो हाँ या ना? फाइव तो था ही नहीं, डिपॉजिट इंश्योरेंस के लिए बताया था ना, ओमिट हो चुका है, यस और नो? यस। ओके, अच्छा मैंने ये बताया था कि अगर सिक्योर करना है तो दो तरीके से सिक्योर कर सकते हैं, तो एक तो डिपॉजिट इंश्योरेंस ले लो, बोलो हाँ कि ना? और दूसरा, डिपॉजिट इंश्योरेंस नहीं ले सकते तो क्या कर दो, चार्ज क्रिएट कर लो, क्रिएट है क्या? यस और नो? यस। पर अब ध्यान समझना बेटा, अगर डिपॉजिट कौन सा है, अगर डिपॉजिट कौन सा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट, सिक्योर्ड डिपॉजिट है, कौन सा है बेटा? सिक्योर्ड डिपॉजिट, दो तरीके के डिपॉजिट कर रहा हूं मैं यहां पे, अब अनसिक्योर्ड डिपॉजिट और कम ऑन सिक्योर डिपॉजिट, बराबर है क्या? हाँ या ना? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाला कवर कर लिया पूरा, उसमें सिर्फ परसेंटेज परसेंटेज का फर्क पड़ रहा था, उसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ा, बोलो हाँ कि ना? यस और नो? यस। अब क्योंकि अब बात मैं क्लासिफिकेशन कहाँ से ले रहा हूँ बेटा, या तो डिपॉजिट अब क्या होगा, सिक्योर डिपॉजिट होगा या तो अनसिक्योर्ड, अगर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म है तो फिर रूल थ्री था, बोलो हाँ या ना? लॉन्ग टर्म के केस में अलग लिमिट है, शॉर्ट टर्म के केस में अलग लिमिट है, ये रूल थ्री बता रहा था, क्लियर और नॉट क्लियर? अब अगर डिपॉजिट को फर्दर क्लासीफाई करते हैं कि डिपॉजिट या मेरा सिक्योर डिपॉजिट है या अनसिक्योर डिपॉजिट है, तो फर्दर रूल्स जो हैं अप्लाई होते हैं बेटा। फर्दर रूल कौन कौन से अप्लाई हो रहे हैं देखिएगा जरा फटाफट से। सबसे पहला रूल, यस रूल फोर, रूल फोर बताया था क्या बेटा? इनविटेशन, बोलो हाँ या ना? यस और नो? इनविटेशन वाला बताया था कि नहीं बताया था, बोलो जरा फटाफट से। यस सर, बताया था। हाँ, इनविटेशन अगर अनसिक्योर डिपॉजिट है तो बताओ रूल सिक्स के पहले लगेगा या रूल सिक्स के बाद लगेगा? तो एक बार वापस बताइए। मैं बोल रहा हूँ अगर डिपॉजिट अनसिक्योर्ड है तो रूल सिक्स की जरूरत है क्या? नो सर। नहीं है, डायरेक्टली रूल फोर लग जाएगा, बोलो हाँ या ना? यस और नो? रूल सिक्स है तो फिर रूल फोर, रूल फोर क्या बोलता था बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, इनविटेशन के लिए? यस सर। सर्कुलर इशू करो, एडवर्टीजमेंट करो उस सर्कुलर का, वेबसाइट में डाल दो, याद आया क्या कुछ? यस और नो? याद आया या नहीं आया? यस और नो? डीपीटी वन उस याद करो, डीपीटी वन, यस और नो? और अगर अनसिक्योर डिपॉजिट है तो रूल सिक्स मत लगाओ, रूल फोर लगा दो, मतलब डिपॉजिट कोई सा भी हो रूल फोर लगने वाला है, बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ, बस सिर्फ फर्क क्या होगा बेटा, सिक्योर डिपॉजिट केस में पहले क्या लग जाएगा, रूल थ्री, देन रूल फोर लगेगा, हाँ या ना? एंड अनसिक्योर डिपॉजिट केस में डायरेक्टली आप रूल फोर लगा दो, बराबर है क्या? क्योंकि इनवाइट तो करना पड़ेगा ना, यस और नो? यस सर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर? इनवाइट तो करना पड़ेगा, बट देखना पड़ेगा कौन सा वाला डिपॉजिट है, रूल सिक्स वाला डिपॉजिट है या अदर देन रूल सिक्स वाला डिपॉजिट है। अगर सिक्योर डिपॉजिट तो फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई रूल सिक्स, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। चलो, इनविटेशन हो गया बेटा, अभी क्या करना है बेटा, एक्सेप्ट करना है, हमने एक्सेप्ट कर लिया, बराबर है क्या? पर यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया, रिन्यू हो रहा है, रिपेमेंट हो रहा है, दैट इज द कहानी, बराबर है क्या? बट यहाँ पे कुछ प्रोसीजर्स बोल रहा है, ये बोल रहा है रूल सेवन में, देखिएगा जरा यहाँ पे फटाफट से रूल सेवन। तो सबसे पहले
रूल सेवन क्या बोला है? नो कंपनी रिफर्ड अंडर सेक्शन 73(2) कौन सी कंपनी होगी बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, मेंबर वाली बोलो हाँ या ना, yes, और एलिजिबल कंपनी कौन सी होगी बेटा, पब्लिक वाली बोलो हाँ कि ना, शॉर्टकट में समझते चल। शैल इशू अ सर्कुलर, नहीं कर सकता, सर्कुलर मतलब रूल फोर अप्लाई नहीं कर सकता, यही मतलब बोल रहा है, बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ, सर्कुलर आप इशू नहीं कर सकते हो जब तक आपने क्या नहीं अपॉइंट किया हो बेटा, वन और मोर ट्रस्टीज फॉर कमॉन डिपॉजिटर, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। यस और नो, अनलेस द कंपनी हैज अपॉइंटेड वन और मोर ट्रस्टीज फॉर डिपॉजिटर, फॉर कमॉन क्या लिखा है बेटा, क्रिएटिंग सिक्योर, मतलब कौन से डिपॉजिट की बात कर रहा हूँ मैं, रूल सेवन किस डिपॉजिट पे लग रहा है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, अनसिक्योर डिपॉजिट या सिक्योर डिपॉजिट, कमॉन कमॉन एवरीवन एवरीवन, इस लाइन से समझ में आ जाना secure, चाहिए, सिक्योर डिपॉजिट। अगर secure आपको सिक्योरिटी क्रिएटिंग करनी पड़ रही है डिपॉजिट के केस में, तभी रूल सेवन लगाना, अदरवाइज ट्रस्टी अपॉइंट करने की जरूरत बोलना नहीं पड़ेगी। आई होप आई एम क्लियर, यस और नो? यस। और जब भी आप ट्रस्टी मतलब जब भी कंपनी क्या कर रही है बेटा, डिपॉजिट ले रही है, यस और नो, किससे किससे किससे, किसी से भी, मेंबर से भी या पब्लिक से भी, यस और नो, और डिपॉजिट कौन सा है बेटा, सिक्योर्ड डिपॉजिट है, बराबर है क्या, यस और नो? तो कंपनी डायरेक्टली डील नहीं करेगी, कंपनी क्या बोलती है, क्या बना दो, डिपॉजिटर्स ट्रस्टी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। जैसे हमने डिबेंचर ट्रस्टी बनवाई थी ना, डिबेंचर ट्रस्टी बनवाई थी सेक्शन 71 में, कि भाई कंपनी डायरेक्टली बात नहीं करेगी डिबेंचर्स होल्डर से, कौन बात करेगा बेटा, डिबेंचर ट्रस्टी बात करेगा, बराबर है क्या? तो सेम वे जो पैसा आ रहा है वो कंपनी डायरेक्टली डील नहीं कर रही है, किस कौन डील कर रहा है बेटा, डिपॉजिटर्स ट्रस्टी डील, किसके केस में, ओनली एंड ओनली सिक्योर डिपॉजिट के केस में। यस सर। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। यस। और जब भी हाँ, जब भी ध्यान से समझना, जब भी ये क्या इशू कर रहा है बेटा, कंपनी इशू कर रही है क्या, सर्कुलर, सर्कुलर इशू करने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, इसके साथ क्या बनाना पड़ेगा, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड बनानी पड़ेगी, बोलो हाँ या ना, DPT2 फॉर्म नंबर याद रहेगा क्या, बोलो जरा फटाफट से, यस और नो। तो पहला काम क्या होएगा भैया, आगे आप ट्रस्ट डीड बना लो इसके साथ, इसके बाद दो नंबर पे रूल फोर लगा के आप सर्कुलर इशू कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बोलो हाँ कि ना। यस सर। एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? यस। फिर इसके बाद क्या बोला, नो पर्सन इंक्लूडिंग अ कंपनी दैट इज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रस्टीशिप सर्विसेज शैल बी अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी फॉर द डिपॉजिट, कौन कौन लोग डिपॉजिटर के ट्रस्टी, यहीं पे लिखा ना, शैल बी अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी फॉर द डिपॉजिटर्स, डिपॉजिटर्स के ट्रस्टी कौन कौन नहीं हो सकते हैं, नंबर वन कंपनी का ही आदमी ट्रस्टी नहीं हो सकता, बोलो हाँ या ना, हु इज अ डायरेक्टर, KMP और एनी अदर ऑफिसर और एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। दूसरा, वो बंदा जो कंपनी का क्या हो बेटा, ऋणी हो, इंडेबटेड टू द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी और एनी मटेरियल पिक्यूनियरी रिलेशनशिप, मतलब क्या कंपनी के साथ कोई भी क्या किया हो उसने, बिजनेस ट्रांजैक्शन किया हो, क्या किया हो बेटा, पिक्यूनियरी रिलेशनशिप का मतलब फाइनेंशियल रिलेशनशिप, हो सकता है, नहीं हो सकता, बायर हो, डेटर्स हो, क्रेडिटर्स हो, कुछ भी हो सकता है, यस और नो? कहने का मतलब क्या है, वो बंदा डिपॉजिटर ट्रस्टी नहीं हो सकता है जो कंपनी का आदमी है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सिंपल एज दैट, बोलो हाँ या ना। यस सर। क्लियर और नॉट क्लियर? यस और नो? या तो किसी ने भी गारंटी देने की बाधित की वादा किया और इज रिलेटेड टू एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए, तो इनका रिलेटिव्स भी बोलो जरा नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब क्या हो गया, कंपनी के साथ उसका किसी भी तरीके का कमॉन कोई भी रिलेशन नहीं होनी चाहिए, ना तो रिश्ता, और रिश्ता कौन सा बेटा, ये रिश्ता कौन सा कहला रहा है, कौन सा रिश्ता बेटा, दिल का रिश्ता हो वो भी नहीं चाहिए, बोलो हाँ या ना, बराबर है, दिल का रिश्ता नहीं चाहिए, कानून से रिलेटेड रिश्ता है वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि रिलेटेड पार्टीज यहाँ से बाहर हो गए, बोलो हाँ या ना, कानून वाला रिश्ता है वो भी नहीं चाहिए, यस और नो? उसके इम्प्लॉयज नहीं चाहिए, कोई भी इम्प्लॉयज हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो प्यून ही क्यों ना हो, बोलो हाँ कि ना, यही लिखा है ना, यस और नो? यस लिखा है ना, यहाँ पे कहाँ लिखा गया, इधर गया, ये लिखा है ना, यस, और एनी अदर ऑफिसर और एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, बोलो हाँ या ना, कोई नहीं होना चाहिए, बराबर है क्या एवरीवन? उधारी, डेटर्स,
नहीं होना चाहिए, गारंटर नहीं होना चाहिए, बराबर है क्या? तो जो भी लोग या बायर्स एंड सेलर्स, ये भी नहीं होने चाहिए। पिक्चर क्लियर है नहीं क्लियर है? यस और नो? यस। तो जो कंपनी के साथ रिलेशन रख रहा है वो यस डिपॉजिटर ट्रस्टी नहीं हो सकता। और क्या बोल रहा है बेटा? नो ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर शैल बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस, इनको ऑफिस से निकाला भी नहीं जा सकता है आफ्टर द इश्यू ऑफ सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट। वंस यू डन विद द सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट राइट, यू कैन नॉट रिमूव द डिपॉजिटर्स ट्रस्टी फ्रॉम द ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स। लिखा है क्या यहाँ पे? मतलब ये क्या बात कर रहा है बेटा? अनॉनिमस बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन, जनरल रेजोल्यूशन नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? बोर्ड रेजोल्यूशन, मेजोरिटी पे भी नहीं, 100% लिखा है क्या यहाँ पे? कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। बोलो हाँ या ना? यस। और अगर कंपनी के पास क्या है बेटा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। कौन है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो देयर हैज टू बी एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी प्रेजेंट इन सच बोर्ड मीटिंग। व्हाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? कोई बताएगा मुझे? नॉर्मली 149(4) से लेके 12 तक, सब सेक्शन 12 तक गवर्न करता है। क्या गवर्न करता है बेटा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आ रहा है बात समझ में? बट नॉर्मली यहाँ पे डायरेक्टरशिप की ज्यादा बात नहीं, मैं नहीं कहूंगा। ये बोलते हैं साहब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता है, सिंपल एज दैट। हु इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। समझ में आ रहा है क्या? नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, रिलेशनशिप विद द कंपनी नहीं होना चाहिए। ये सब लोग नहीं होने, मतलब जो बंदा कंपनी के साथ किसी भी प्रकार का संबंध रखता हो राइट, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता। बेसिकली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होगा बेटा? सीए इन प्रैक्टिस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है? डायरेक्टरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो और साथ में आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? मतलब प्रैक्टिस करते करते हुए भी आप कंपनी के क्या बन सकते हो बेटा? डायरेक्टर बन सकते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और इसे इसीलिए अपॉइंट किया गया कंपनी में कि ये साउंड डिसीजन जो है अनबायस्ड डिसीजन ले सके, क्योंकि ये कंपनी से का इसका कोई लेना देना नहीं है। तो जो भी ये डिसीजन लेगा बेटा, ये क्या लेगा? अनबायस्ड डिसीजन लेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस और नो? यस। तो मेरे को बताओ रूल 7 में कहां पे लगाऊं बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। रूल 4 के पहले या रूल 4 के बाद में? जल्दी बोलो फटाफट से। रूल 4 के पहले। पहले। और किसके केस में लगेगा बेटा? ओनली एंड ओनली सिक्योर डिपॉजिट के केस में। आई होप आई एम क्लियर। मैं यहाँ पे सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, ये रूल आप पढ़ लोगे इसी तरीके से पढ़ना है बेटा। हाँ या ना? डिपॉजिटर्स कम ऑन ट्रस्टी, बराबर है क्या? यस। और यहीं पे क्या लगेगा बेटा? DPT2 फॉर्म, बराबर है क्या? एग्जीक्यूट डिपॉजिटर्स, बोलो ना, ट्रस्ट डीड। यस और नो? यस सर। यस। पिक्चर क्लियर एवरीवन? बोलो जरा फटाफट से यस और नो। ओके चल, तो रूल 7 क्लियर हो गया। रूल 7 बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा है, वो ये बोल रहा है कि अगर डिपॉजिट आपकी सिक्योर डिपॉजिट है, यस और नो? यस। तो आपको डिपॉजिटर्स ट्रस्टी लगाना पड़ेगा और डिपॉजिटर ट्रस्ट डीड जो है एग्जीक्यूट करना पड़ेगा DPT2 फॉर्म में। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। और दूसरी बात, अगर आपको उसको निकालना है तो कौन निकाल सकता है बेटा? अनॉनिमस बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू ही उसे क्या किया जा सकता है बेटा? निकाला जा सकता है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन। यस सर। यस। तो रूल 7 को सपोर्ट करते हुए रूल 8 भी चलेगा, बोलो हाँ कि ना? रूल 7 को सपोर्ट करते हुए क्या चलेगा बेटा? रूल 8 भी चलेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस और नो? और रूल 8 क्या बोल दिया बेटा? ड्यूटीज ऑफ कम ऑन ट्रस्टी। यस और नो? ये थेरेटिकल है, बोलो हाँ या ना? थेरेटिकल है ना? एज सिंपल एज दैट। ड्यूटी ऑफ एवरी ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर्स, डिपॉजिटर के लिए इनकी क्या ड्यूटी है बेटा? नॉर्मली अगर आप समझो, इनको क्यों अपॉइंट किया गया है? सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर। यस और नो? यस सर। यस सर। और क्या हो सकता है? रजिस्टर देयर grievances, समझ रहे?
ग्रीवेंसेस को क्या बोलते हैं बेटा? कंप्लेंट, याद रखना इस वर्ड को। ग्रीवेंसेस का मतलब क्या होता है? उनकी कोई कंप्लेंट हो, शिकायत तो वो रजिस्टर करो, बराबर है क्या? और कुछ हो सकता है बेटा? ब्रीच ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस, ये भी हो सकता है कुछ, अगर कोई ब्रीच हुई हो इनके और कंपनी के बीच में, जो भी टर्म्स कंडीशंस हुए इसमें अगर कुछ डिस्टर्ब हुआ हो, व्हाट वुड बी द रेमेडीज? यस और नो? रेमेडीज, उपाय क्या हो सकता है कि सारी व्यवस्थाएं जो है मेंटेन किया जाए, कंप्लायंसेस के काम जो भी होंगे, रूल कंप्लायंसेस, क्या ये सारे के सारे काम बताओ जरा फटाफट से डिपॉजिटर ट्रस्टी को करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, यस और नो? तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंश्योर दैट द एसेट्स ऑफ द कंपनी, लिखा है क्या? एसेट्स ऑफ द कंपनी ऑन विच द चार्ज इज क्रिएटेड टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस, ठीक है, मतलब सिक्योरिटी की बात कर रहा है, आर सफिशियंट, बोलो हाँ या ना? मतलब क्या है वो, क्या बोल रहा है ये? एसेट मस्ट बी ग्रेटर देन डिपॉजिट्स, होना चाहिए क्या? बोलो जरा फटाफट से। यस सर। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि एसेट जो भी आपने चार्ज में लगाया है, इट शुड बी मोर देन, कम ऑन, क्या होना चाहिए बेटा? सिक्योर्ड डिपॉजिट होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। दूसरा, जब आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो जो आपने सर्कुलर इशू किया है, सर्कुलर में कोई भी इंफॉर्मेशन, कम ऑन, अदर देन ट्रस्ट डीड नहीं होनी चाहिए, बोलो हाँ या ना? जो भी आपने ट्रस्ट डीड बनाई है डिपॉजिटर के थ्रू, एग्जैक्टली वही चीजें आपने एडवर्टीज करना चाहिए, बोलो हाँ या ना? तो जो कंटेंट है, कंटेंट ऑफ एडवर्टीजमेंट मस्ट बी इक्वल टू, कम ऑन, कंटेंट ऑफ ट्रस्ट डीड होना चाहिए। ये सब कौन चेक करेगा बेटा? दैट इज डिपॉजिटर ट्रस्टी, यस और नो? कोई भी ब्रीच नहीं होना चाहिए, नो ब्रीच ऑफ कंडीशंस, यस और नो? नो ब्रीच ऑफ कंडीशंस इन कमॉन ट्रस्ट डीड, क्लियर और नॉट क्लियर? अगर कुछ ब्रीच हुआ भी है तो उसका क्या निकालो आप? रेमेडी, उपाय निकालो बेटा, बोलो हाँ या ना? यस और नो? ओके, देन इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कॉल अ मीटिंग ऑफ द होल्डर्स ऑफ डिपॉजिटर्स, यस और नो? डिपॉजिट होल्डर्स, बोलो जरा फटाफट से, लाना पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ सकती है, नहीं करनी पड़ सकती है कंपनी के साथ? यस, बिल्कुल करनी पड़ सकती है। कौन करेगा बेटा जल्दी, कौन करवाएगा बेटा? ट्रस्टी करवाएगा। सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंडीशंस रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है बेटा, क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी कंडीशंस है उसको इम्प्लीमेंट करवाओ, ठीक है? डू सच एक्ट्स एज अननेसेसरी, ओके, किससे रिलेटेड बेटा? सिक्योरिटी से रिलेटेड, एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स एंड रिजॉल्व देयर ग्रीवेंसेस, बोलो हाँ या ना? तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये है, यस और नो? तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला, सी वाला है, यस और नो? सी और डी एक ही हो गया, दैट इज रेमेडी से रिलेटेड, मीटिंग एक अलग चीज होगी, बाकी की सारी चीजें जो हैं अब अगर आप देखोगे तो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, बोलो हाँ या ना? ये भी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ये भी सिक्योर, ये एडवर्टीजमेंट मान लो सर्कुलर हो गया, ठीक है, ओके, देन इसके बाद ये भी जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो बेसिकली जितने भी पॉइंट है वो किससे किससे रिलेटेड बेटा? एक तो सिक्योरिटी से रिलेटेड, दूसरा यस कम ऑन सर्कुलर से रिलेटेड, याद रहेगा ये पॉइंट, तीसरा ब्रीच ऑफ कंडीशन से रिलेटेड है, यस और नो? देन इसके बाद मीटिंग ऑफ, मीटिंग वाला पॉइंट है एक, और दूसरा, दूसरा लास्ट पॉइंट कौन सा है बेटा? यस कम ऑन, ग्रीवेंसेस कंप्लेंट से रिलेटेड, बोलो हाँ या ना? इतनी ड्यूटी है ना बेसिकली इनकी, यस और नो? यस सर। यस, पिक्चर क्लियर एवरीवन? यस सर। यस। अच्छा, अब इसने क्या कर दिया बेटा यहाँ पे ट्रस्टी की, क्या कर दी जल्दी बोलो फटाफट से, ट्रस्टी का क्या बता दिया? ड्यूटीज बता दिया, बराबर है ना? अब यहाँ पे इसी ड्यूटीज ऑफ ट्रस्टी में क्या बोला था कि भाई मीटिंग कंडक्ट करनी है, तो बोलो साहब मीटिंग कैसे कंडक्ट करोगे, यस और नो? बराबर है नहीं? तो मीटिंग ऑफ डिपॉजिटर्स में क्या आ गया बेटा? ट्रस्टी फॉर डिपॉजिट शैल कॉल अ कमॉन मीटिंग ऑफ ऑल द डिपॉजिटर्स ऑन, कब कर सकते बेटा? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कब कर सकता है बताओ जरा फटाफट से। नंबर वन क्या बोल रहा है बेटा? जितने भी डिपॉजिटर्स हैं, मतलब कंपनी के लिए डिपॉजिटर कौन है बेटा जल्दी बोलो फटाफट से, कंपनी के लिए डिपॉजिटर्स कौन है? मेंबर या फिर पब्लिक? ना ना, जिसने डिपॉजिट दिया है, बराबर ना? यस सर। यस सर, जिसने डिपॉजिट दिया वही तो डिपॉजिटर होगा। हाँ, अब उसको आप मेंबर बोलो या पब्लिक बोलो, डजंट मैटर, यस और नो?
बराबर yes, है। अच्छा अब चूंकि डिपॉजिट दिया है तो इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा सर। बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिखेगा सर। दिखेगा सर। तो ये बोल रहे हैं कि जब भी, अच्छा अब ये ऑलरेडी चीजें हो गई होंगी बराबर है क्या, इसके बाद ही डिपॉजिटर ने क्या डिसाइड किया होगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। मीटिंग का डिसाइड किया होगा, यस और नो? मीटिंग कौन करवा रहा होगा बेटा, कौन करवा रहा होगा? डिपॉजिटर ट्रस्टी, बराबर है क्या, यस और नो? क्योंकि इन दोनों के बीच का जो ब्रिज है वो कौन फिलअप कर रहा है बेटा? डिपॉजिटर ट्रस्टी। तो ये बोल रहे जब भी आप मीटिंग क्या करवाना बेटा, कॉल करवाना, मतलब आप मीटिंग के लिए बुलाना, तो आप हमेशा दो तरीके से मीटिंग कंडक्ट करवा सकते हो। नंबर वन क्या बोलते हैं, एक तो रिक्वेस्ट के फॉर्म पे, यस और नो, कि डिपॉजिटर रिक्वेस्ट कर दे। क्या रिक्वेस्ट कर दे बेटा? डिपॉजिटर्स रिक्वेस्ट करे, किस चीज की रिक्वेस्ट करे बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। मीटिंग भैया मुझे मुझे क्या करनी है, मीटिंग कंडक्ट करनी है, यस और नो? तो कितने लोगों का रिक्वेस्ट आना चाहिए? बोले 1/10 of वैल्यू ऑफ डिपॉजिटर्स आउटस्टैंडिंग, ये लिखा है बेटा, हाँ या ना? यस सर। वैल्यू ऑफ 1/10 of डिपॉजिटर्स इन वैल्यू, इन वैल्यू, यस और नो? मतलब उतने डिपॉजिटर्स जिनकी वैल्यू, जिनने जो पैसा दिया है, कम से कम 1/10 होना है, मतलब 10% वैल्यू होनी चाहिए किसकी बेटा, डिपॉजिटर्स। बोलो हाँ या ना? मतलब अगर हाँ, 1 लाख रुपया कंपनी ने डिपॉजिट लिया है, यस और नो? तो 1 लाख में से कितने भी डिपॉजिटर आ जाए पर उनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कम से कम 10,000 होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है, यस और नो? यस। और या तो कोई ऐसा इवेंट हो जाए जो नहीं होना चाहिए था, बराबर है क्या, कोई कंप्लेंट हो गई, ग्रीवेंसेस आ गया, यस और नो? या ब्रीच ऑफ कोविनेंट्स, ब्रीच ऑफ कंडीशंस हो गया, मतलब कोई भी ऐसा इवेंट जो रूल 8 में स्पेसिफाइड है, या अदरवाइज, बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर और नॉट क्लियर? लिखा है ना, रिक्विजिशन इन राइटिंग दे दो, या तो हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट विच कॉन्स्टिट्यूट्स अ डिफॉल्ट और विच इन द ओपिनियन ऑफ द ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर। अल्टीमेटली किसकी बात कर रहा है इवेंट का, मतलब रूल 8, यस और नो? ये बात कर रहा है ना, रूल 8 में जो इंसिडेंट दिए गए उसी में से कोई भी इंसिडेंट अगर हैपनिंग मोड में आ गया हो, बोलो जरा फटाफट से, मीटिंग कॉल की जा सकती है, यस और नो? यस। पिक्चर क्लियर है एवरीवन? यस सर। यस सर। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रूल 7, रूल 8 और कम ऑन रूल 9 साथ में चलेंगे क्या बेटा? एवरीवन यस और नो? यस। इसके बाद क्या लगेगा बेटा, रूल नंबर 4 लगेगा। आई होप आई एम क्लियर। अच्छा रूल 7, 8, 9 के अनसिक्योर डिपॉजिट के केस में आएगा क्या, बोलो जरा फटाफट से। नो सर। नो सर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा, रूल 7, 8, 9 नॉट अप्लाइड। आई होप आई एम क्लियर, आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन। यस सर। ये कहानी पूरी समझ में आ रही है क्या डिपॉजिट की? यस नो? 5 कंपनी है, डिपॉजिट है या तो लॉन्ग टर्म, यस और शॉर्ट टर्म? यस और नो? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है वो रूल 3 में बताई गई, बट अगर डिपॉजिट सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड है तो उसमें कुछ रूल्स दिए गए हैं 6 से लेके 14-15 तक, यस और नो? तो उसमें से कौन से रूल अप्लाई होंगे, कौन से रूल अप्लाई नहीं होंगे, उसकी चर्चा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, बोलिए जरा फटाफट से, यस और नो? यस। तो 6, 7, 8, 9 लगेगा कहाँ पे बेटा, सिक्योर्ड डिपॉजिट के केस में। आई होप आई एम क्लियर। Now, अब मेरी बात ध्यान, रूल 10 आता है, ये बोलता है ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स नो कंपनी शैल एक्सेप्ट और रिन्यू एनी डिपॉजिट। मतलब ये किसकी बात कर रहा है बेटा, ये इनविटेशन के लिए नहीं है, बोलो हाँ या ना? ये किसके किसके लिए है बेटा, एक्सेप्ट एंड रिन्यू के लिए। मतलब क्या बोल रहा है, जब भी कंपनी ने इन्वाइट कर दिया हो, यस और नो? मतलब ये रूल 4 के बाद लगेगा, बोलो हाँ कि ना? रूल नंबर 10 जो है रूल 4 के बाद लग रहा है, बोलो हाँ कि ना? यस सर। क्योंकि क्या हो चुका है बेटा, ये क्या बोला है, कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी, रिन्यू नहीं करेगी, क्या इसने ये बोला, इनवाइट नहीं कर सकती? नो सर, नहीं बोला। हाँ नहीं बोला, समझ में। अच्छा
डिपॉजिट कौन सा है बेटा यहाँ पे, सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड, मतलब रूल 10 दोनों के केस में लग रहा है? यस सर। तो हाँ कि ना, यस और नो? यस। एक चीज पिक्चर क्लियर करना, यहाँ पे मैं अगर चार्ट बना रहा हूँ तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जल्दी बोलो फटाफट से, रूल 10 यहाँ पे भी लगेगा और रूल 10 बेटा कमऑन यहाँ पे भी लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, यस और नो? और ये किसकी बात कर रहा है बेटा यहाँ पे, यस कमऑन, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर डिपॉजिट। तो ये क्या बोल रहा है बेटा, अनलेस, ये बोल रहा है कोई भी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, कब तक बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, अनलेस एन एप्लीकेशन सच फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कंपनी इज सबमिटेड बाय द इंटेंडिंग डिपॉजिटर फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ सच डिपॉजिट। क्या मतलब बोल रहा है बेटा, ये कौन एप्लीकेशन करेगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, कमन 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 एवरीवन, इंटेंडिंग डिपॉजिटर से। हाँ, क्या मतलब है सबमिटेड बाय द इंटेंडिंग डिपॉजिटर, मतलब वो डिपॉजिटर जो डिपॉजिट कमॉन देना चाहते हैं, बोलो हाँ या ना, वो कंपनी को एप्लीकेशन सबमिट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे सर। यस और नो? यस भाई, कि मैं आपको डिपॉजिट देना चाहता हूँ, विल यू एक्सेप्ट द डिपॉजिट, एक एप्लीकेशन दे, कंपनी बोलेगी यस मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बोलो हाँ या ना? यस। और उसके yes, साथ एक क्या रहेगा बेटा, कमॉन डिक्लेरेशन रहेगा। क्या डिक्लेरेशन रहेगा, शैल कंटेन अ डिक्लेरेशन बाय द इंटेंडिंग डिपॉजिटर टू इफेक्ट दैट द डिपॉजिट इज नॉट बीइंग मेड आउट ऑफ एनी मनी बोरोड बाय हिम। मतलब क्या बोल रहा है बेटा, कि जो डिपॉजिटर है वो एक डिक्लेरेशन लिख के दे कि मैंने उधार, मतलब उधार लिया हुआ पैसा जो है कंपनी को नहीं दे रहा, बोलो हाँ या ना? क्योंकि डिपॉजिट शैल नॉट बी इक्विवेलेंट विद द लोन, यस और नो? ऐसे ही करना है ना, यस और नो? तो उनको बताना पड़ेगा कि भैया मैंने लोन लेके आपको डिपॉजिट नहीं दिया है, इट इज माय फंड एंड आई एम गिविंग इट टू द कंपनी, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो सिंपल लैंग्वेज में रूल 10 क्या बोल रहा है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, डिपॉजिटर मस्ट अप्लाई टू द कमॉन कंपनी फॉर मेकिंग डिपॉजिट, यस और नो? यस। प्लस अ डिक्लेरेशन, अ डिक्लेरेशन मस्ट बी गिवेन दैट सच डिपॉजिट शैल नॉट बी such deposit made to the company are not borrowed from are not borrowed बस। यस सुनो, ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा ना, जो भी हम कंपनी को डिपॉजिट दे रहे हैं वो बोरोड अमाउंट नहीं है। पिक्चर क्लियर है? रूल 10 इज वेरी क्लियर। लिंकिंग समझ में आ रही है कि रूल की सबको? यस सर। एवरीवन, आई एम आस्किंग फ्रॉम एवरीवन। यस सर। देन इसके बाद रूल 10 हो गया बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आता है, यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? रूल 10। नाउ रूल 10 किसके बाद लगेगा, किसके बाद लगेगा, रूल 4 के बाद या रूल 4 के पहले? रूल 4 के बाद। और कौन से वाले डिपॉजिट में? दोनों ही, चाहे वो सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो। नाउ इसके बाद क्या बोला, पावर टू नॉमिनेट एवरी डिपॉजिटर मे एट एनी टाइम नॉमिनेट एनी पर्सन, डिपॉजिटर मर भी सकता है, बोलो हाँ या ना? डिपॉजिटर क्या हो सकता है बेटा, मर भी सकता है। तो वो बोलता है भैया हम क्या नॉमिनेट कर सकते हैं अपने लोगों को, बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? कर सकते हैं। यस, कर सकता है। कब करेगा बेटा, एट द टाइम ऑफ इनविटेशन, बिफोर इनविटेशन, आफ्टर इनविटेशन, बिफोर एक्सेप्टेंस, आफ्टर एक्सेप्टेंस, बोलो जरा फटाफट से, कब कर सकता है बेटा? एट द टाइम, एनी टाइम, एट एनी टाइम लिखा, याद रखिएगा बेटा, यस और नो? मतलब अगर मैं रूल 11 की एप्लीकेबिलिटी की बात करूं तो बोलो जरा फटाफट से कब तक कर सकता है, यहां से लेके यहां तक कभी भी, बोलो जरा फटाफट से,
रूल 11 अप्लाई हो सकता है, यस और नो? पावर टू नॉमिनेट एनी पर्सन बाय कम ऑन डिपॉजिटर एट एनी टाइम, यस और नो? इनविटेशन के पहले होएगा क्या? नहीं होएगा, पिक्चर में नहीं था, बोलो हाँ या ना? आफ्टर इनविटेशन, यस और नो? बिफोर रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, आई होप आई एम क्लियर। यस सर। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? तो रूल 11 जो है बेटा, चाहे वो सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, लग जाएगा क्या? बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? पिक्चर क्लियर है एवरीवन? यस सर क्लियर है। रूल 11 भी क्लियर हो गया। नाउ रूल 12 क्या बोल रहा है बेटा? फर्निशिंग ऑफ डिपॉजिट रिसीट्स टू द डिपॉजिटर्स। अब क्या मतलब, क्या डिपॉजिटर ने एप्लीकेशन भेजा था या नहीं भेजा था बेटा रूल 10 में? बोलो जरा फटाफट से, यस सुनो कि मैं आपको डिपॉजिट देना चाहता हूँ अलोंग विद द डिक्लेरेशन, बोलो हाँ या ना? तो अब वो जो एप्लीकेशन है, तो बताओ आंसर रिप्लाई करना पड़ेगा कंपनी को कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। हाँ, तो एवरी कंपनी, एवरी कंपनी मतलब वो पांचों कंपनी, बोलो हाँ या ना? शैल ऑन द एक्सेप्टेंस और रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट, चाहे वो एक्सेप्ट फर्स्ट टाइम हो या सब्सिक्वेंट हो, फर्निश टू द, कम ऑन क्या लिखा है, डिपॉजिटर एजेंट अ रिसीट और द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी विद इन अ पीरियड ऑफ, कम ऑन क्या लिखा है बेटा, 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ, कम ऑन, रिसीट ऑफ मनी, बोलो हाँ या ना? मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा, जल्दी से फटाफट से, रूल टेन पे ये आया, बोलो हाँ या ना? उसने अप्लाई किया, बोलो हाँ कि ना, यस और नो? और एक डिक्लेरेशन दिया, प्लस उसके साथ क्या दिया बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, डिपॉजिट द अमाउंट, यस और नो? ये भी काम किया कि नहीं किया एप्लीकेशन देने के बाद, बताओ जरा फटाफट से, डिपॉजिट अमाउंट किया होगा कि नहीं किया होगा? किया होगा सर। यस, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूं बेटा, डिपॉजिटर देयर आफ्टर डिपॉजिट the amount to the, come on, company, yes or no? इसके बाद क्या लगेगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, रूल 11 लगेगा कि नहीं लगेगा? रूल 11 यहाँ पे भी लगेगा, रूल 11 यहाँ पे भी लगेगा, और रूल 11 क्या बोलता है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, कंपनी power to nominate, हाँ सॉरी रूल 12 ना, रूल 12 क्या बोल रहा है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, कंपनी क्या देगी बेटा, रिसीट देगी, यस और नो? कंपनी मस्ट गिव रिसीट टू डिपॉजिटर और हिज एजेंट, यस और नो? अगेंस्ट द रिसीट ऑफ मनी, कब तक में बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, विद इन 21 डेज, मतलब 3 वीक्स, यस और नो? 7 3 21 अप्रॉक्स 3 वीक्स, 21 डेज फ्रॉम, कम ऑन, रिसीट ऑफ मनी, यस और नो? बराबर है, यस और नो? जिस दिन पैसा मिला हो उस दिन से 21 दिन के अंदर अंदर क्या दे देना बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, डिपॉजिट रिसीट्स, यस और नो? यस सर। डिपॉजिट रिसीट, आई होप आई एम क्लियर, रूल 12 क्लियर हो गया। एक एक लाइन के रूल है बेटा, ज्यादा इसका दिमाग में नहीं रखना, और रूल अगर नहीं भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, सिंपल एक लाइन में इसको आप दिमाग में, ये जो चार्ट मैंने बना दिया है दैट वुड बी मोर देन सफिशियंट, पूरा रूल याद रखने के लिए सफिशियंट चार्ट है या नहीं है, यस और नो? कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना पढ़ लिया दैट इज मोर देन सफिशियंट, हर एक को अलग 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 सब सेक्शन सब रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है एवरीवन। नाउ इसके बाद क्या बोल रहा है बेटा, अब कहां से बात शुरू होगी बेटा, कहां की बात आ रही है बेटा, रूल 13 कहां की बात कर रहा है बेटा, रिपेमेंट की बात कर रहा है, कहां पे बात कर रहा है अब, रिपेमेंट, यस और नो? तो अब यहां पे ये कहानी खत्म हो गई कि नहीं होगी, बोलो जरा फटाफट से, यस सर।
यस, पेमेंट वेमेंट की बात होगी। अब भाई आपको क्या करना है नाउ, देयर आफ्टर क्या करना पड़ेगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। कंपनी को क्या करना पड़ेगा? जी पे करना पड़ेगा। नाउ कंपनी मस्ट कम ऑन रीपे द डिपॉजिट अलोंग विद कम ऑन इंटरेस्ट। यस और नो? इंटरेस्ट। यस, कहाँ पे बेटा? अंडर सेक्शन 73(2) पे बात कही थी रिपेमेंट की, हाँ या ना? और 76, चाहे आपने पैसा एलिजिबल पब्लिक कंपनी वाला हो जो पब्लिक से लिया हो या मेंबर से लिया हो, रिपे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, रिपे करना पड़ेगा। तो रेड विद कम ऑन क्या चलेगा बेटा? रूल नंबर 13। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। यस, तो रूल 13 क्या बोलता है? एवरी कंपनी लिखा है क्या 73(2) और एवरी एलिजिबल कंपनी 76 शैल ऑन और बिफोर द 30th अप्रैल ऑफ ईच ईयर क्या लिखा है बेटा? डिपॉजिट द सम एज, ये बताया था कि नहीं बताया था? 30th अप्रैल मतलब एडवांस में बोलो हाँ या ना, मिनिमम कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा बेटा? यस कम ऑन, कौन से अकाउंट पे बेटा? बताया था क्या? बराबर है, ये बताया था, क्या बताया था मैंने? डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, शॉर्टकट में क्या बोला था? DRR अकाउंट, याद आया क्या? यस, और कितना बोला था, कितना करने को बोला था, जल्दी बोलो फटाफट से। मिनिमम मिनिमम 20% ऑफ द डिपॉजिट बताया था बेटा? हां, ये कहां पे बताया था बेटा? 73(2)(c), हां या ना? Yes, sir. 73(2)(c) में कहाँ पे बताया था डिपॉजिट करने को? DRR अकाउंट में। तो उसको इसने कंप्लीट कर दिया, यस और नो? बराबर है, यस और नो? ये भी चीज वहां पे कवर थी, बिफोर 30th अप्रैल इन एडवांस। अगर सपोज मान लो ईयर कौन सा चल रहा है बेटा, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, 21-23 मान लो, 23-24, तो बताओ कब तक में हो जाना चाहिए बेटा, जल्दी बोलो फटाफट। ड्यू डेट क्या है DRR अकाउंट क्रिएट करने की? 20-24 देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एवरी शैल ऑन और बिफोर द 30th अप्रैल ऑफ ईच ईयर डिपॉजिट द सम एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 73(2)(c) विद एनी शेड्यूल्ड बैंक। कहने का मतलब क्या है बेटा, मेरी बात ध्यान समझना, आपने डिपॉजिट कब लिया होगा बेटा? 30th अप्रैल 2023 के पहले या बाद में? आगे तो ये पहले सर। सपोज मान लो आपने डिपॉजिट लिया 1st अप्रैल 2023, बराबर हाँ या ना? क्लियर और नॉट क्लियर? यस, लिया है ना? तो अब ये क्या बोल रहा है बेटा, 1st अप्रैल 2023 को अगर डिपॉजिट लिया तो आपने DRR पे कब डालना है? 30th अप्रैल 2023, बराबर। पर अगर आपने डिपॉजिट मान लो 1st मई को ले लिया हो बेटा, अब कब डालोगे जल्दी बोलो फटाफट से। आपने 1st अप्रैल, सी अंडरस्टैंड, आपने डिपॉजिट लिया है बेटा कितना? 1st अप्रैल 2023, बोलूं हाँ या ना? यस सर। बराबर है, अब आपने डिपॉजिट लिया तो अगर बताओ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट होगा तो मिनिमम कितना मंथ? 3 मंथ के लिए लिया होगा। मैक्सिमम कितना बेटा? 6 महीना। 6 मंथ। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट होगा तो बेटा कम ऑन, मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 36 मंथ, मैक्सिमम 36। आई क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। हां सर, बराबर है ना, यही मतलब हुआ ना। तो अब ये बोल रहा है कि भाई अगर आपने अब इसको पेमेंट भी तो करना है कि नहीं करना है? अगर शॉर्ट टर्म है तो बेटा 6 महीने के अंदर करोगे, यस और नो? तो ये बोला साहब 30th अप्रैल 2023 इसने ड्यू डेट दी है, यही दिया है बेटा? यस सर। बोलो अगर मेंबर से लिया या आप पब्लिक से ले रहे हो, कहीं पे भी 30th अप्रैल जैसे ही है, मतलब आपने जब डिपॉजिट लिया आप तब इसमें डाल दो, बोलो हाँ या ना? तब डाल दो, यही मतलब बोल रहा है। पर मैं 30th अप्रैल को चेक कर लेना कि कितना हो बेटा, कम से कम 20% होना चाहिए, बोलो हाँ या ना?
रिपेमेंट करने की व्यवस्था आपको कब करनी पड़ेगी बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। एक तो 6 महीने में करनी पड़ेगी, या सुनो 6 महीने तक में करनी पड़ेगी, या तो 3 साल में करनी पड़ेगी, बराबर है क्या? यस सर। यस। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे, तो मेरे पास ध्यान से, यहाँ पे जो ये बोल रहा है कि ये 3 साल में जो करना है बेटा, तो ये कब हम करें बेटा, इसमें डिपॉजिट कब करें, जल्दी बोलो फटाफट से, डिपॉजिट हम कब करें बेटा, हम इस पे डिपॉजिट कब करें, DRR अकाउंट पे डिपॉजिट कब करें, तुरंत करते, लिखा है ना बेटा ऑन और बिफोर, लिखा तो है, ऐसा बोला है कि इसने 30 अप्रैल को ही करना है? नो सर। कभी भी कर सकते हो, उसके पहले भी कर सकते हो, बोलो हाँ या ना। yes, sir. कर सकते हो या नहीं कर, सिर्फ ये चेक पॉइंट दिया गया कि हम इस तारीख को चेक करेंगे, और चेक करके ये चेक करेंगे कि बाबा जो भी आपने DRR अकाउंट में पैसा डाला है, कभी भी आपके डिपॉजिट अमाउंट से 20% से नीचे नहीं होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। कहने का मतलब बेस्ट फंडा क्या होगा, आप जिस दिन डिपॉजिट पैसा लो पब्लिक से या मेंबर से, बराबर है क्या? yes, आया ना? yes, सीधे उस पैसे का 20% अमाउंट से, सपोज मान लो आपने 1 करोड़ रुपया लिया, तो 1 करोड़ का 20% कितना हो गया बेटा? 20 लाख रुपए। तो आप 20 लाख सीधे किसमें डाल दो? DRR अकाउंट में, आया क्या? और रिमेनिंग 80 लाख आप यूज करो जहाँ पे आपको यूज करना है, सिंपल एज दैट, दिस शुड बी द प्लानिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और जो अथॉरिटी होगी वो कब चेक कर रही है बेटा, वो हर दिन नहीं चेक करेगी, कब चेक करेगी? 30 अप्रैल को। समझ में आया कि नहीं आया? ये एकदम एक्चुअल में प्रोसेस होएगा इसका। आई होप आई एम क्लियर सर। जो अथॉरिटी, बोलिए 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 सर, जो अथॉरिटी होगी तो वो 30 अप्रैल को चेक करेगी कि उसके पहले? कभी भी चेक कर सकती है, बट उसके पास टाइम है 30 अप्रैल का, बोलो हाँ या ना। यस सर। और अगर मान लीजिए सर, अगर इस DRR अकाउंट पे रिमेनिंग द ईयर में 20% से नीचे हो गया, हाँ, तो उसमें क्या होगा? गड़बड़ है ना, आप पेनल्टी लग जाएगी, पेनल्टी लगेगी यहाँ पे, अगर आप नॉन कंप्लायंस करोगे तो पेनल्टी लगेगी बेटा 76A पे, बोलो हाँ कि ना। 76 का दिया ना, पेनल्टी दिया होने तो पेनल्टी लग जाएगी आपको सीधी सीधी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? सिंपल है, अगर आप नॉन कंप्लायंस मारोगे तो पेनल्टी लगेगा, बात खत्म हो गया, और कुछ नहीं, आप पेनल्टी पे करो, बाकी आप चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस? यस सर, क्लियर है पक्का। यस। और ये पैसा आप कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते, 80% आप कहीं पे भी यूज कर लो, डिपॉजिट अमाउंट का 80% पैसा आप कहीं पे भी यूज कर लो, बोलो हाँ या ना। बट ये जो 20% पैसा जो आपने कहाँ पे डाला है बेटा, DRR अकाउंट क्लियर हो गया बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। रूल 13 हमने यहाँ पे कम्प्लाई कर लिया बेटा, क्या करना पड़ेगा अपने को, जल्दी बोलो फटाफट से, DRR अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा ऑन एनी शेड्यूल बैंक, यस और नो? ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ऑफ ईच ईयर। आई होप आई एम क्लियर? यस सर। यस और नो? यस। एंड सच अमाउंट शैल नेवर फॉल बिलो, कम ऑन, 20% ऑफ द डिपॉजिट्स मैच्योरिंग during the financial year. Yes, on at any time during financial year. Clear or not clear? And yes, sir. Such amount shall not be utilized for any other purpose. Shall be, हाँ, utilized. ऐसे मैं लिख देता हूँ. Only for repayment of and only for repayment of deposit. I hope I am clear, beta. Yes, sir. I hope I am clear. Rule 13. बस इतना ही आपको पढ़ना है, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। एक ये पढ़ लेना बेटा, और एक वो जो डिपॉजिट का हमने चार्ट बनाया हुआ है, आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। क्लियर है एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। देन इसके बाद बेटा आता है रूल नंबर 14। एंड रूल नंबर 14 क्या बोलते हैं बेटा? रजिस्टर ऑफ, कम ऑन,
डिपॉजिटर्स, ये लिखा है, क्या लिखा है बेटा, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। और ये क्या बोल रहा है बेटा, एवरी कंपनी हर एक चीज का रजिस्टर मेंटेन कर रही है कंपनी। आप अगर देख लो ध्यान से, मेंबर का रजिस्टर मेंटेन किया है, यस और नो, बीओ का, आरओ का, एसबीओ का, याद है कि नहीं है, यस और नो, यस शैल मेंटेन एट, और कहां पे मेंटेन किया बेटा, रजिस्टर्ड ऑफिस में, यस और नो, यस सर। बराबर, अब वही सारी चीजें यहाँ पे पूछ रहा है कि भैया कहाँ पे मेंटेन करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन करना है, क्या करेगा, कौन एक्सेस करेगा, जिसको एक्सेस करना हो या कॉपी लेना हो, इंस्पेक्शन करना हो, वो सारी चीजें कर सकता है, बोलो हाँ या ना। और इस रजिस्टर, इस जो इस रजिस्टर में क्या क्या मेंटेन होना चाहिए बेटा, सारी कुंडली, बोलो हाँ या ना। नंबर वन, डिपॉजिटर की क्या होनी चाहिए, पूरी कुंडली, हाँ या ना, मतलब पूरी जानकारी, नेम, एड्रेस, पैन, गार्जियन का नेम इन केस ऑफ माइनर, नॉमिनी कौन कौन होगा, नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं, नॉमिनी का नाम, डिपॉजिट रिसीट नंबर, यस और नो, जो भी कंपनी ने आपको डिपॉजिट रिसीट दिया उसका नंबर इसमें मेंशन करो, किस टाइम पे डिपॉजिट मेड किया है, बराबर है, कितना अमाउंट मेंटेन किया, कितने समय के लिए किया है, यस और नो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये सारी चीजें बोलो जरा फटाफट से, आएगा कि नहीं आएगा, मतलब पूरी की पूरी कुंडली जो है यहाँ पे आपकी कवर हो जाएगी, बराबर है क्या, डिपॉजिटर कुंडली। अच्छा, डिपॉजिटर का रजिस्टर कब तक मेंटेन होना चाहिए, जल्दी बोलो फटाफट से, एंट्रीज शैल बी मेड विद इन, कम ऑन, 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ द रिसीट, बोलो हाँ या ना, यस सर, पॉइंट को याद रखो यहाँ पे। तो डिपॉजिट रिसीट कब आई थी बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, ये रूल नंबर 12 पे, बोलो हाँ या ना, रूल नंबर 12 पे आया है ना, ये देखो लिखा है, कंपनी मस्ट गिव डिपॉजिट रिसीट, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा, यहाँ से विद इन 7 days, विद इन 7 days फ्रॉम डेट ऑफ डिपॉजिट रिसीट, यस और नो, रजिस्टर ऑफ, कम ऑन, डिपॉजिट्स शैल बी Maintained by the company. Company at its registered office. बात खत्म। Yes or no? और ये कौन बोला इसने? Yes sir. Rule 14 में. I hope I am clear. 18. Yes sir. Yes sir. तो rule 12 के बाद rule 14 लग गया. Rule 13 बोलो जरा फटाफट से. वहीं पे चल रहा है या नहीं चल रहा है? बोलो हाँ या ना. Yes, sir. Repayment, repayment की बात भी साथ साथ चल रही होगी, बराबर है कि नहीं है? वो कब बोला, 30th अप्रैल कर दो, तो जो डेट पहले आ जाए, विदिन 7 days पहले आ जाए, मतलब कहने का मतलब क्या है, ये दोनों काम साइमल्टेनियसली चलते होंगे, रजिस्टर भी मेंटेन हो रहा है उधर और रिपेमेंट की इधर प्रोविजन भी बन रही 20% की, बोलो हाँ कि ना। पिक्चर क्लियर है एवरीवन? यस, तो यहाँ पे रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट जो है वहां पे हमने मेंटेन कर लिया, आई होप आई एम क्लियर विद दिस, बराबर। अच्छा, अब ये कब ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है क्या कि ड्यू डेट के पहले ही डिपॉजिट रिपे कर दिया जाए? यस सर, यस सर, बोलो जरा फटाफट से, यस और नो। तो रूल नंबर 15 आ गया, रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स बिफोर ड्यू डेट मैच्योरिटी, यस और नो, यस और नो, यस, रूल नंबर 15 देख लो फटाफट से, आई होप आई एम क्लियर, इजी है, यस और नो, यस, क्या लिखा है यहाँ पे, जनरल प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रीमैच्योर रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, यस और नो, और सिचुएशन इज वेरी क्लियर, वेयर अ कंपनी मेक्स अ रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ, कम ऑन, 6 months from the date of such deposit but before the expiry of the period for which such deposit was accepted, kehne ka matlab kya ho gaya beta, kehne ka matlab kya ho gaya, kis deposit ki baat kar raha hai, short term ki ya long term ki, soch ke dekh lo, so long term ki, long term, kyunki yahan pe isne minimum 6 months to bola hi hai na, haan ya na, yes, so rule 15 shall be applied only in case of, come on, long term deposit, long term, ye yaad rakho, rule 15 shall be applied in case of only, come on, long term deposits, ठीक बात है, ये picture clear हो गया everyone, हाँ या ना, yes, yes sir, और आप yes, sir. Maturity date के पहले कभी भी आप repay कर सकते हो, yes or no,
कंपनी सर चाहे तो अपने से भी कर सकती है अगर उसे डिपॉजिट की जरूरत ना हो, और अगर डिपॉजिटर ने रिक्वेस्ट कर लिया तो कंपनी फिर भी कर सकती है, बोलो हाँ कि ना? यस यस सर पक्का 100%? अच्छा, मैंडेटरी है क्या कंपनी के लिए कि अगर डिपॉजिटर रिक्वेस्ट मांगेगा तो आपको करना ही पड़ेगा? पढ़ के देखो फटाफट से, ये वाली लाइन मैंडेटरी है या ऑप्शनल है कंपनी के लिए? रूल 15 हमेशा क्या है, बोलो जरा फटाफट से क्या लिखा है यहाँ पे? पहला ही शब्द देखो ना क्या लिखा है बेटा, वेयर। वेयर का मतलब क्या हो गया? जब भी, यस और नो, वेयर अ कंपनी मेक्स अ रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर, डिपॉजिटर ने रिक्वेस्ट किया बट नहीं है पैसा कंपनी के पास, तो जान लो लोग क्या कंपनी की? नो सर। हाँ या ना? तो इट इज ऑलवेज, कम ऑन, यस कम ऑन, एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल 15 इज ऑप्शनल, डिस्क्रिशनरी, यस और नो? फॉर डिस्क्रिशनरी मतलब एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी, यस नो, एट द चॉइस ऑफ द कंपनी, वो करे या ना करे, बोलो हाँ या ना? पर वो जब कभी भी, जब कभी भी क्या लिखा है बेटा, प्री मैच्योर रिपेमेंट करेगी या बोलेगी इंटरेस्ट कम कर दो जरा सा भैया, हाँ या ना? यस। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन सच डिपॉजिट, सच डिपॉजिट जितना वो कर रहा है, मतलब 1 करोड़ में अगर वो 20 लाख रुपए क्या कर रहा है बेटा, प्री मैच्योर कर रहा है, तो इसका जो अगर नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% था तो कितना हो जाएगा मैक्सिमम? अब 5, इससे ज्यादा नीचे नहीं हो सकता, बोलो हाँ या ना? पेबल ऑन सच डिमांड शैल बी रिड्यूस्ड बाय 1% फ्रॉम द रेट व्हिच द कंपनी वुड हैव पेड हैड द डिपॉजिट बीन एक्सेप्टेड फॉर द पीरियड, यस और नो? एंड द कंपनी शैल नॉट पे इंटरेस्ट एट एनी हायर देन द रेट सो रिड्यूस्ड। तो अगर 5% मैक्सिमम, 5.5 हो सकता है, हो सकता है, यस और नो? 5.5 हो सकता है, नहीं हो सकता है? यस सर हो सकता है। या शैल बी रिड्यूस्ड बाय 1% ही लिखा है, देखो जरा अच्छे से, शैल बी रिड्यूस्ड बाय, कम ऑन क्या लिखा बेटा, 1% फ्रॉम द रेट व्हिच द कंपनी वुड हैव पेड, यहां पे क्या ऐसा लिखा है, अप टू 1% या मिनिमम 1% या फ्लैट 1% दिया बेटा, फ्लैट 1% दिया, बोले 6 से 1% से क्या कर दो बेटा, कम कर दो, बोलो हाँ या ना? और उससे ऊपर इंटरेस्ट रेट पे करने की जरूरत नहीं बेटा, किस अमाउंट पे, जिस अमाउंट का आप क्या कर रहे हो बेटा, जितना अमाउंट आप प्री मैच्योर्ड पेमेंट कर रहे हो। आई होप आई एम क्लियर, यस और नो? यस सर। यस, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंड इन दिस रूल शैल अप्लाई टू द रिपेमेंट ऑफ एनी डिपॉजिट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच सच डिपॉजिट वॉज एक्सेप्टेड बाय द कंपनी इफ सच रिपेमेंट इज मेड सोलली फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लाइंग विद द रूल्स प्रोविजन ऑफ रूल 3। रूल 3 क्या बोलता है बेटा, रूल 3 क्या बोलता है, रूल 3 किसकी बात कर रहा था, जल्दी बोलो फटाफट से सर, लिमिट की थी। हाँ, ये शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट की बात कर रहा है, यस और नो? या लॉन्ग टर्म डिपॉजिट की भी बात कर रहा था, दोनों बात कर रहा था, बोलो हाँ या ना? शॉर्ट टर्म के केस में उसने क्या बोला था बेटा, जल्दी बोलो फटाफट, 3 months 6 months, यहाँ पे 6 months एंड 36 months, और इसके केस में 10% बोला था, बोलो हाँ या ना? यस सर। लॉन्ग टर्म के केस में 100%, 35%, 25%, 10%, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो ये क्या बोला, नथिंग कंटेंट इन दिस रूल शैल अप्लाई, मतलब अगर रूल 3 बोल रहा है कि भैया कम में पेमेंट कर दो, बताओ जरा फटाफट से रूल 15 लगेगा क्या टू द रिपेमेंट ऑफ एनी डिपॉजिट बिफोर द एक्सपायरी? अगर रूल 3 के तहत अगर आप जा रहे, रूल 3 का मतलब क्या बोल रहा है बेटा, कंपनी ने अगर मान लो अपने से पेमेंट कर दिया प्री मैच्योर्ड, बोलो जरा फटाफट, हो सकता है, हो सकता है कंपनी अपने से पे कर दे बेटा ड्यू डेट आने के पहले, बोलो हाँ कि ना? हो सकता है सर। तो रूल 15 लगेगा क्या, ये बोल रहे साहब, रूल 15 नहीं लगेगा, यस और नो? तो कहने का मतलब रूल 15 लगेगा कब, ओनली एंड ओनली व्हेन डिपॉजिटर रिक्वेस्ट, बोलो हाँ या ना? यस सर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? डिपॉजिटर अगर चाह रहा है भैया मुझे पैसा दे दो, तो फिर कंपनी बोलेगी भैया रेट कम करो तो मैं दूं पैसे, बोलो हाँ कि ना? यस और नो? बराबर, सी अंडरस्टैंड, यहां पे क्या होएगा,
अगर कंपनी मान लो सुमोटो पे करती है, रिपे करती है, बराबर है क्या? यस और नो? तो उस केस में डिपॉजिटर क्या करेगा, रेट कम करेगा क्या? नहीं सर, नहीं कम करेगा। कंपनी उतना ही इंटरेस्ट रेट पे करेगी, पर उसका ड्यूरेशन कम हो रहा है। बोलो हाँ या ना? यस सर, कंपनी का ड्यूरेशन कम हो रहा है तो इंटरेस्ट अमाउंट कम हो जाएगा। एम आई राइट और नॉट? यस सर। डिपॉजिटर बोलेगा भाई मत पे करो ना, ड्यू डेट पे करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मैच्योरिटी पे कर रहे हो, बिफोर मैच्योरिटी पे कर रहे हो, तो आपका ड्यूरेशन वाला तो अमाउंट कम हो रहा है, मैं कम नहीं करूंगा। बराबर है भाई, मुझे जरूरत होगी तो मैं इंटरेस्ट रेट कम करूंगा। बोलो हाँ कि ना? और उस केस में सेक्शन ने डिपॉजिटर को ऑर्डर किया है कि कम से कम कितना, मतलब कितना कम करना पड़ेगा आपको? 1% कम ही करना पड़ेगा। आई होप आई हाँ या ना? उससे ज्यादा कम कर दो डिपॉजिटर की बात है। बोलो हाँ कि ना? उससे ज्यादा कम कर दो डिपॉजिटर की बात है, पर कंपनी जो एटलीस्ट बोल सकती है वो कितना कम से कम, बोलो जरा फटाफट से, 1% होना ही चाहिए। बोलो हाँ कि ना? डिपॉजिटर बोलते मैं 1 रुपया नहीं लूंगा तो चलेगा ना? कंपनी को क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या कंपनी को? बोलो, अगर आपने किसी से डिपॉजिट लिया है और अगर सामने वाला बोलता है ठीक है मेरे को मत दो इंटरेस्ट, तो बताओ जरा फटाफट से, आपको दिक्कत है क्या कंपनी को? कंपनी बोलेगी नहीं नहीं नहीं, कंपनी एक्ट बोल रहा है सिर्फ 1% ही कम करना है। बोले भाई मैं 5 कर रहा हूँ ना। बोले नहीं 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 नहीं, 1 कम करो, 4 और ले लो मेरे से, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। बोले कि अगर डिपॉजिटर रिक्वेस्ट कर रहा है तो 1% आपको कम करना पड़ेगा ही। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, पिक्चर क्लियर है एवरीवन? यस सर। नाउ इसके बाद ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो, provided further that where a company referred under section 73(2) or any eligible company permits a depositor to renew his deposit. ye kya bol raha beta, renew his deposit before the expiry of the period for which such deposit was accepted by the company for availing of a higher rate of interest, the company shall pay interest to such depositor at the higher rate if such deposit is renewed in accordance with the provision. kya matlab bol raha beta, see understand that. अगर मान लो आपने 3 साल के लिए क्या लिया बेटा, डिपॉजिट लिया एट द रेट ऑफ 5%, हो सकता है, हो सकता है। अब ये 3 साल एक्सपायर हो जाए और आप कंपनी बोले मेरे को रिन्यू करना है, हो सकता है बेटा रिन्यू करो? बोले नहीं नहीं अभी 5% नहीं, अभी 7% पे जाएगा। बोलो जरा फटाफट से, कर सकता है या नहीं कर सकता है? अपन लोग रेंट बढ़ाते नहीं बढ़ाते हर महीने हर साल पे? बढ़ाते हैं सर, बढ़ाते कि नहीं बढ़ाते? सेम वे पे वो बोल रहा है भाई रिन्यू अगर करना है तो 7% पे करो। बोलो जरा फटाफट से, कंपनी कर सकती है नहीं कर सकती? इस चीज को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। नॉर्मली उसने बोला भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट कब तक का किया था बेटा, 3 साल का किया था, 3 साल एक्सपायर हो गया, अब आप रिन्यू करना चाहते हो ये अलग कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। बोलो हाँ या ना? और उसमें अगर मैं मॉडिफिकेशन करना चाहूँ, इंटरेस्ट हायर रेट पे लेना चाहूँ, ले सकता हूँ नहीं ले सकता हूँ? डिपॉजिटर ले सकता है नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता है। बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? क्लियर सर, 100%। यस। अच्छा मान लो अगर डिपॉजिट लिया गया है बेटा, ओके ध्यान समझना, 3.5 साल के लिए, हो सकता है, हो सकता है या नहीं हो सकता है, आगे तो ये बताओ। 3.5 साल के लिए नहीं हो सकता। पिक्चर क्लियर है? लॉन्ग टर्म कितना बेटा? मैक्सिमम 3 इयर्स, याद रख लेना। ढाई साल के लिए हो सकता है क्या? यस सर, हो सकता है। पक्का? यस सर। अच्छा ये बताओ मेरी बात ध्यान समझना, इंटरेस्ट कितने साल के लिए कैलकुलेट होगा? 2.5 साल के लिए। पढ़ो जरा एक्सप्लेनेशन पढ़ो बेटा, फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल, हाँ या ना? Where the period for which the deposit had run contains any part of a year, हाँ या ना? Then if such part is, come on, क्या लिखा है बेटा? Less than 6 months. हाँ, it shall be excluded. And if such part is, come on, 6 months or more, it shall more. be reckoned as 1 year. तो बताओ 2.5 साल को क्या माना जाए? 2 साल। 3 साल लिखा, 2.5 मतलब हो गया बेटा 6 months हो गया। यस सर, यस, ये याद रख लेना। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? यस सर, क्लियर। 100%। यस सर, यस। तो हमारा जो बेटा ये पूरा का पूरा रूल जो है कवर हो गया, यस और नो? यस सर। रूल 15 क्लियर है या नहीं क्लियर है?
अब रह गए दो सेक्शन छोटे छोटे, शॉर्टकट में बता देता हूँ इसको। शॉर्टकट क्या, जो सेक्शन ही है वो पूरा का पूरा छोटा सा ही सेक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कम ऑन, 74 एंड कम ऑन 75। 75 सिंपल बोल रहा है, 74 क्या बोल रहा है बेटा? क्या बोल रहा है बेटा? रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एटसेट्रा एक्सेप्टेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट कौन सा? रेड विद कमॉन रूल 13 लगा देना, रूल 14 लगा देना, यस और नो, और जरूरत पड़े तो रूल 15 लग जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। बराबर है या नहीं है? यस और नो, क्लियर और नॉट क्लियर? यस क्लियर। तो रूल 13 बोलता है भाई, रूल 13 क्या बोल रहा था जल्दी बोलो फटाफट से। DRR अकाउंट में मेंटेन कर दो मिनिमम 20%, बोलो हाँ या ना? रूल 14 बोल रहा है रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट मेंटेन होना चाहिए, और प्री मैच्योर की बात कर रहा था, प्री मैच्योर पेमेंट रूल 15 बात कर, यही बात कर रहा था, बोलो हाँ यार। ये बोलते हैं वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय ए कंपनी, कंपनी ने क्या कर लिया बेटा जल्दी बोलो फटाफट से, एक्सेप्ट कर लिया यस और नो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब 2013 के पहले, हो सकता है क्या? यस सर। इसने डिपॉजिट लिया हो 2012 में, जब 2012 में डिपॉजिट लिया होगा, इन सेक्शंस की बात हो रही होगी क्या? नहीं बात हो रही होगी, बिल्कुल नो सर, क्योंकि सेक्शन तो कहां से आया बेटा, 2013 से, ठीक है। अब ये बोलता है और ये डिपॉजिट लिया हो और यहां पे आउटस्टैंडिंग दिख रहा हो, बोलो हाँ या ना? जब एक्ट आया उस समय कंपनी के बैलेंस में आउटस्टैंडिंग दिख रहा हो सकती है सिचुएशन, हो सकती है, एंड पेमेंट करने की बात कहीं 2014 में हो रही हो, बोलो हो सकता है क्या? हो सकता है, हो yes, सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, रिपेमेंट की बात यहाँ पे हो रही हो, यही मतलब है, हाँ या ना? यस और नो। तो अप टू 2013 मतलब एक साल तक तो आपने कुछ नहीं किया, बोलो हाँ या ना? कोई कंप्लायंस नहीं किया, नो कंप्लायंस इज रिक्वायर्ड, अंडर दिस चैप्टर, यस और नो? यस सर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? पर जैसे ही 2013 लगा बेटा, बताओ जरा कंप्लायंस चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा? चाहिए होगा सर। यस, कंप्लायंस इज रिक्वायर्ड, आई होप आई एम क्लियर। तो ये जो सेक्शन नंबर 74 है ये बहुत ही स्पेसिफिक है, ये क्या सिचुएशन को कवर कर रहा है बेटा? अगर आपने डिपॉजिट 2013 के पहले लिया हो, बोलो हाँ या ना? बोलो ना हाँ या ना? और अभी क्या चल रहा है बेटा? 2023। बराबर है, एग्जाम में क्वेश्चन 10 साल पहले का पूछेगा क्या? नो सर। अब ये समझना, ये 10 साल पहले ले जा रहा है, उस समय डिपॉजिट होएगा भी नहीं यहाँ पे, बोलो हाँ कि ना? 3 साल का क्योंकि मैक्सिमम डिपॉजिट होता है। यस सर। यस सर। एग्जाम में क्वेश्चन अब 2013 को लेके तो नहीं आएगा, आई एम डैम श्योर, यस और नो? ये पिक्चर क्लियर है? तो नॉर्मली 74 जो है मेरे हिसाब से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इररिलेवेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकली भी अगर आप सोचोगे तो अब इसकी एप्लीकेबिलिटी रहेगी क्या? नो सर। नो सर। सोच के देख लो, क्योंकि मैक्सिमम डिपॉजिट जो है 3 साल के लिए होता है बेटा, तो गड़े मुर्दे उखाड़ना हो गया कि नहीं हो गया? तो 74 जो है बेसिकली क्या कर रहा है बेटा? गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है। नहीं उखाड़ने, नहीं उखाड़ने अपने को भाई, पढ़े रात गई बात गई, इस रात की सुबह नहीं भाई साहब, ये सुनो, पिछले रात क्या हुआ आदमी भूल जाता है, ये तो साहब 10 साल पहले जाके बात कर रहा है भाई, ऐसा वैसा हुआ तो कर देना, कोई जरूरत ही नहीं, ये सुनो। बट नॉर्मली चूंकि सिलेबस में सेक्शन है कवर कर दे रहा हूँ, ये बोलते हैं दो चीजें कर देना, नंबर वन इज कम ऑन, एक क्या कर देना बेटा, ROC को फाइल कर देना विद इन 3 मंथ्स, विद इन कम ऑन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस। आई होप आई एम क्लियर, कि जो भी कंप्लायंसेस हैं वो 3 महीने के अंदर क्या कर देना बेटा जल्दी बोलो फटाफट से, फाइल कर देना, फाइल कर देना, क्या कर देना? फाइल विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट, यस और नो? यस सर। क्या फाइल करना है? फाइल अ स्टेटमेंट, क्या कर देना है बेटा? फाइल अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय द कंपनी, मतलब ROC को ये बता देना उस दिन कि हमने इतना डिपॉजिट लिया है, इतना मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, आई होप आई एम क्लियर, इतना हमें इंटरेस्ट पे करना है, मतलब वो पूरा रूल 8 वाला जो है डिटेल आप दे देना, बोलो हाँ कि ना? यस सर। बराबर, रूल 8 नहीं, सॉरी, रजिस्टर ऑफ, दैट इज द रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स, यस और नो? रूल 12 था ना, क्या था? रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट,
रूल 14 सर, रूल 14 था है ना। तो रूल 14 में जो जो भी उसने बोला है कि ये इंटरेस्ट रेट इतना इतना अमाउंट इतना आउटस्टैंडिंग है, वो जो आप है सारा का सारा दे देना, यस और नो। यस, और दूसरी बात है रिपेमेंट नॉर्मली कब तक में करना होता है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। 3 साल मैक्सिमम, यस सर। कोई बोल दिया रिपे विद इन 3 इयर्स फ्रॉम सच कमेंसमेंट, समझ में आया क्या? मतलब अब आपको 1 साल एक्स्ट्रा मिल गया, मतलब 2000 बोला था ना, तो 2000 बेसिकली आपको 2015 तक रिपे करना था 3 साल में, हाँ या ना? अब बोला अब जो 3 साल काउंट होगा वो यहाँ से काउंट होगा, यहाँ से काउंट नहीं होगा। आई होप आई एम क्लियर। यस सर, बस खत्म हो गई बात, पिक्चर क्लियर है एवरीवन? यस सर, यस सर, एवरीवन क्लियर पक्का? यस yes. yes, और ये वो अब फिर उसमें फालतू, अब देखो कोर्ट को भी ला रहा है, तो कोर्ट भी बोल देगा भाई गड़े मुर्दे क्यों खड़ रहे हो, बस रात गई बात की, भाई साहब 3 साल तो आना नहीं है, ट्रिब्यूनल को भी इससे कोई लेना देना नहीं होगा, बोलो हाँ या ना? और जब ये सेक्शन ही अप्लाई नहीं हो रहा है तो पेनाल्टी इंटरेस्ट की बात भी नहीं हो रही होगी, बोलो हाँ की ना? यस सर, ये कौन से पेनाल्टी वगैरह की बात कर रहा है? ये सेक्शन 74 के पेनाल्टी की बात कर रहा है, यहाँ पे लिखा है सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2। आई होप आई एम क्लियर। तो ये आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, 74 आप छोड़ सकते हो। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर, यस सर। लॉजिक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो, बेसिकली ये सिचुएशन कौन सी कवर कर रहा है बेटा? बिफोर वाली। और मैक्सिमम मैक्सिमम जो है बेटा कितना है बेटा? 3 साल ही है, बोलो हां या ना? यस। तो इसकी तो अभी बात ही जो है नहीं होगी, यस और नो? यस सर, यस सर। चलो आगे आ जाओ बेटा। अच्छा फिर ये साहब ये दिया क्यों है यहाँ पे, कोई बताएगा मेरे को लॉजिक इसका? इसको तो कंपनीज एक्ट से हट जाना चाहिए, हट जाना चाहिए था, हट जाना चाहिए था। हेलो, हाँ हट जाना चाहिए था साहब, फिर क्यों नहीं हटा बताओ? एमसीए का मेंबर कौन बनेगा, जल्दी बोलो फटाफट से। सबसे पहला काम आप यही करना, 74 हटा देना बेटा। हो सकता है कि उस समय के कुछ केस पेंडिंग हो कोर्ट में जिसका अभी तक yes, निराकरण ना हुआ हो, हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है, इसलिए ये सेक्शंस यहाँ पे। आई होप आई एम क्लियर। हाँ सर, समझ में आ गया ही नहीं, क्योंकि कोर्ट में केस 20-20 साल तक चल जाते हैं, समझ में आया क्या? yes, जाते हैं, तो फिर डेफिनेटली इस केस में इसलिए इसने यहाँ पे ऐसा कवर किया हुआ। आई होप आई एम क्लियर। इसका एक ही रीजन है कि कुछ कोर्ट में केसेस पेंडिंग होंगे जिसकी वजह से ये सेक्शंस की एप्लीकेबिलिटी है यहाँ पे। आई होप आई एम क्लियर, नहीं तो सॉर्ट आउट कैसे होगा, सॉर्ट आउट कैसे होगा? आगे बात समझ में। यस 75, ये क्या बोल रहा है बेटा? अब ये कंपनी के लिए बेसिकली ये फ्रॉड कौन करेगा बेटा? कंपनी करेगी, डिपॉजिटर तो करेगा नहीं, क्योंकि डिपॉजिटर पैसे दे दिए। अगर कंपनी फ्रॉड कर रही है तो एक ही सेक्शन है फ्रॉड का, 447 लगा देना, बात खत्म हो गई, बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर हो गया या नहीं क्लियर हो गया एवरीवन? यस सर। कोई भी फ्रॉड करे, कोई भी, चाहे वो ऑफिसर फ्रॉड करे, कंपनी फ्रॉड, जो ही फ्रॉड करेगा 447 उसके ऊपर लग जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। 75 भी कंप्लीट, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया। बोलो जरा फटाफट से, सियावर रामचंद्र की जय। जय। यस एवरीवन, क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर सर, क्लियर है। हां, ये चार्ट आप बना लोगे फटाफट से? सर इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए देना, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया ये? हां सर, लेंथ है सर, लेंथी है ना? Yes, बस इतना ही लेना है आपको। सर इस चैप्टर की पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा। सब शेयर कर रहा हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारा तो स्टार्ट होने वाला है, हाँ जी, नहीं सर नेक्स्ट चैप्टर वही पूछने वाला था, चार्जेस भेज दिया मैंने आपको, ठीक है? ठीक है, तो आ गया सर। हाँ, मैं पहले ही बताया था कि कल चार्जेस स्टार्ट कर देंगे, तो चार्जेस हमारा 1-2 दिन में भी कंप्लीट हो जाएगा, वो वाला भी चैप्टर, ज्यादा नहीं टाइम लगेगा, दो तीन दिन मैक्सिमम, ठीक है? इसके बाद 3 चैप्टर्स लास्ट के हमारे बचे हैं, डिविडेंड अकाउंट्स एंड ऑडिट, बराबर है क्या? यस और नो। इसी के साथ हमारा कंपनीज एक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट अब ये जैसे हमारा चार्जेस कंप्लीट हो गया बेटा, तो हमारा ऑलमोस्ट कहाँ तक कंप्लीट हो गया? 122 सेक्शंस तक कंप्लीट हो गए, बोलो हाँ या ना? यस सर। और टोटल कितने हैं चैप्टर्स सेक्शंस? 148, तो रिमेनिंग अब कितने बचे बेटा? ओनली एंड ओनली 20 सेक्शंस, पूरा 26 एक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। हाँ 26 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है।
ऑलमोस्ट हमारा कंपनीज एक्ट खत्म हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? यस सर, यस। एंड देन वी विल स्टार्ट विद द फेमा। फिर क्या स्टार्ट करने वाले अपन? फेमा, फेमा स्टार्ट करेंगे। क्लियर है या नहीं? क्लियर है एवरीवन? यस सर, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। सर अभी 76 ही बाकी है पेनल्टीज। 76 ए ना? हाँ सर, हाँ सर, रह गया क्या? भावुकता में रह गए। चलो आ जाओ फटाफट से, उसको भी निपटाओ, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है उसमें। सेशन जल्दी खत्म हो रहा था। हाँ हाँ, वाह वाह बेटा, क्या बात है। ओके, 76 तो हमने क्लियर कर लिया। 76 ए कुछ नहीं है बेटा, इसमें क्या लिखा है बेटा? यस और नो? 73 मतलब कौन सा हो गया बेटा? मेंबर्स वाला, मेंबर है पब्लिक। 76 कौन से हो गया बेटा? पब्लिक, पब्लिक। पब्लिक में मतलब कौन से? एलिजिबल पब्लिक कंपनी या एलिजिबल गवर्नमेंट, एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी। बाकी की कंपनी जो है रिमेनिंग कंपनी यहां पे आ रही है, बोलो हाँ या ना? यस यस, ये बोलते हैं बेटा कोई भी गड़बड़ी की हो, बोलो हाँ कि ना? या कंपनी ने क्या एक्सेप्ट में गड़बड़ हो, इनवाइट में गड़बड़ हो, या सुनो, या तो रिपेमेंट में गड़बड़ हो, बोलो हाँ या ना? यस और नो? द कंपनी इन एडिशन टू द पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट और पार्ट देयर ऑफ, मतलब आप डिपॉजिट अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, तो आप पे ही पे करोगे, बोलो हाँ या ना? पर ये पे आप किसको करते हो बेटा? डिपॉजिटर को। पर ये जो पेनाल्टी लगेगी ना, ये पेनाल्टी आप किसको पे करोगे बेटा? एमसीए को, बोलो हाँ या ना? समझ में आया या नहीं आया? यस और नो? तो कंपनी के लिए कितनी पेनाल्टी लगाई जा रही है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। मिनिमम 1 करोड़, और 1 करोड़ और 2 times ऑफ डिपॉजिट। यस और नो? यस सर। 2 times ऑफ कमॉन डिपॉजिट, विच एवर इज लेस लोअर। इस डिपॉजिट का मतलब क्या है बेटा? डिपॉजिट अलोंग विद द इंटरेस्ट, बोलो फटाफट से। नहीं सर, डिपॉजिट, ओनली डिपॉजिट, डिपॉजिट ओनली डिपॉजिट है, क्योंकि डिपॉजिट को डिफाइन किया गया, और डिपॉजिट की मीनिंग में बताओ कहीं इंटरेस्ट लिखा है क्या? जल्दी से बेटा। नो सर। अरे ये आप कैसे कह सकते हो? ये डिपॉजिट आपको देखना पड़ेगा, बोलो हाँ कि ना? यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? डिपॉजिट और कमॉन, क्या लिखा है बेटा? लोन और इन एनी अदर फॉर्म बाय द कंपनी। यस और नो? कहीं पे इंटरेस्ट है क्या बेटा? उसने वहां पे व्हाट डिपॉजिट दिया हुआ, डिपॉजिट का मतलब क्या बेटा? डिपॉजिट का प्रिंसिपल अमाउंट, बोलो हाँ या ना? यस और नो? या तो लोन या तो इन एनी अदर फॉर्म। तो बेसिकली वो किसकी बात कर रहा है बेटा? यहाँ पे पेनाल्टी किस पे लगेगी? प्राइस जो है वो किसका? प्रिंसिपल अमाउंट पे, प्रिंसिपल अमाउंट पे। समझ में आ गया एवरीवन? यस सर। 76 ए ये जो है बेटा 2 into deposit, that is principal amount only. I hope I am clear. Yes. तो एक तो ये minimum 1 crore, और क्या लिखा है बेटा? Twice of deposit whichever is less. मतलब ये क्या बोल रहा है बेटा? But which may extend 2 rupees, कितना बेटा? Maximum कितना बेटा? 10 crores. Yes or no? तो अगर बताओ, yes. ध्यान से समझना, डिपॉजिट बेटा 3 करोड़ की है। डिपॉजिट कितने की है बेटा? 3 करोड़ की है। बताओ पेनल्टी कितनी लगेगी? सर 1 crore. It shall not be less than 1 crore or twice. ये बेटा, whichever is less. तो 3 करोड़ का ट्वाइस कितना हो गया बेटा? 6 crores. पेनल्टी कितनी लगेगी बेटा? 6 crore है, तो 1 crore में जो भी लोअर है। 1 crore, यही मतलब बोल रहा है, बोलो हाँ या ना? Yes sir. और इस 1 crore को कहाँ तक ले जाया जा सकता है बेटा? 10 crore. 6 crore लग सकती है कि नहीं लग सकती है? आउटपुट रिजल्ट 6 crore का आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है सर, आ सकता है। बोलो जरा, आ सकता है, कहाँ तक जा सकता है बेटा? 10 करोड़। समझ में आ गया। अच्छा, 10 करोड़ का मतलब क्या ये कि आपको डिपॉजिट और इंटरेस्ट नहीं देना है?
ऐसा नहीं है, डिपॉजिट और इंटरेस्ट किसको जाएगा बेटा? डिपॉजिटर को। पेनाल्टी किसको जाती है बेटा? एमसीए को। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। डिपॉजिटर बोलेगा गवर्नमेंट को जो देना हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो मेरे डिपॉजिट और इंटरेस्ट से मतलब है। बोलो हाँ कि ना? यस सर। ओके। और एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी जिसने भी कांड किए हैं, बोलो जरा फटाफट से, उसको क्या पेनाल्टी होगी बेटा? जल्दी बोलो, 7 साल की कैद है बामुशक्कत, हाँ या ना? बराबर है कि नहीं? उसके साथ साथ कमॉन फाइन पेनाल्टी कितना बेटा? मिनिमम 25 लाख, मैक्सिमम 2 करोड़। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बोलो हाँ या ना? तो एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, हो सकता है नहीं हो सकता है? Yes, बोलो जरा फटाफट से, 100% क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर सर। पिक्चर क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। तो अब क्लियर हो गए बेटा, सारे सेक्शंस कवर हो गए, और तो कोई सेक्शन नहीं बचा डिपॉजिट में? नहीं बचा है सर। ठीक है, तो 73, 74, 75, 76, 76A जो है ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, रेड विद रूल 3 से लेके रूल 15 तक। बराबर है, चैप्टर इज ओवर। तो इजाजत दें दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। सर पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा, मैं वो भेज देता हूँ बेटा, वो बाकी सारी चीजें मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर।